प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन फॉर नास 203। ये आपका पेपर कोड था M2 के लिए, तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँगा बेटा, आप लोग यार लाइक्स करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे वीडियो देखते हैं, ये मैं नोटिस करता हूँ हमेशा, मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था, लेकिन लाइक्स जो होते हैं, नंबर ऑफ लाइक्स बहुत कम होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, बट आप लाइक्स या डिसलाइक्स जो भी है, जो भी आपके मन में आए, आप अपना रिएक्शन नहीं देते। तो अभी मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट पार्ट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट तभी बनाऊँगा जब ये वीडियो एटलीस्ट 150 लाइक्स क्रॉस जाएगी, वरना मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा आपके पास, मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज। बेटा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस टू ऑफ वाई इक्वल्स टू वन। इसके लिए आपको जनरल सोल्यूशन बताना था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपके पास ऑप्शन सी, यानी कि सॉरी, जब आप इसका सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ निकालते वक्त आपकी जो एम की वैल्यू आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन में, वो अंडर रूट टू आएगी, प्लस माइनस टाइम्स, है ना, प्लस माइनस टाइम्स आपकी वैल्यू होगी एम इक्वल्स टू अंडर रूट टू। तो इसके हिसाब से जो केस बनेगा आपका सी एफ का, वो बनेगा सी वन ई रेज टू पावर रूट टू एक्स प्लस, ठीक है, मतलब ऑप्शन सी होगा। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से देखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द नॉन जीरो पी आई कैन बी फाउंड आउट फॉर डैश डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्वेश्चन 3 की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन होमोजीनियस के लिए ही आप नॉन जीरो पी आई फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, आपको सी एफ फाइंड आउट करना है और आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है डी रेज टू पावर 3 y प्लस 2d² y प्लस dy इक्वल्स टू 0। बेटा क्वेश्चन कई बार मैं इसलिए पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट्स में एक ही चीज़ मिलती है, बच्चे कहते हैं सर हमारा क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहूँगा बेटा, सेट के अकॉर्डिंग हो सकता है आपके क्वेश्चन इधर उधर हो गए हो सॉरी, तो आपको करना है ये वीडियो पोज कर लेना, देख लेना कि क्वेश्चन आपका कहाँ पे आता है ना। चलो अभी जल्दी से मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ। आपको सी एफ बताना है, तो इसके लिए जो सी एफ होगा आपका बेटा, वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी रेज टू पावर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यानी ई रेज टू पावर माइनस एक्स। इसमें एम की दो वैल्यू सेम आएंगी ना, इसलिए ये वाला केस लगेगा। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आई एक्स। इसके लिए पी आई निकालना है बेटा, और इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक्स ई रेज टू पावर आई ए एक्स अपॉन 2ai। जिसने सॉल्व किया होगा उसका आंसर यही आ रहा होगा, और कुछ डिफरेंट आंसर आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, पी आई आपको बताना है बेटा डी स्क्वायर प्लस डी वाई माइनस 12y ई रेज टू पावर 6x का। इसे जब सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा ई रेज टू पावर 6x अपॉन 30, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका इस केस में ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, द पी आई ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 2x प्लस 3। बेटा जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो पी आई आ रहा होगा आपका ऑप्शन ए में जो आंसर है, यानी कि ई रेज टू पावर 2x प्लस 3 अपॉन 5, ये पी आई आ रहा होगा। अच्छा किसी का आंसर डिफर आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लूँगा एक बार, बट आंसर ऑप्शन ए है फिलहाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, आपको यहाँ भी पी आई बताना है, और आपका क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई माइनस 4y इक्वल्स टू कॉस 3x। जब सॉल्व करोगे बच्चे इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर आएगा माइनस टाइम्स 1/13 cos 3x, यानी कि ये आंसर मुझे दिखता है ऑप्शन ए में। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी।
पी आई बताना है आपको बच्चे, और पी आई किसका बताना है, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल्स टू साइन 4x। बेटा इसे जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस टाइम्स 1/15 sin 4x। ये हो गया आपका साइन 4x वाला जो केस है ना, आपका साइन वाला जो केस लगेगा उसके लिए करेक्ट आंसर आएगा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, क्वेश्चन 9 हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच मेथड कैन बी यूज टू फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 10ax इज। बेटा इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आप सॉल्व कर सकते हो, यानी वीओपी मेथड आप लगाओगे सॉल्व करने के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, तो सिंपल प्रॉपर्टी वेज क्वेश्चन था और इसके लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 4/sin² + 4। तो ये करेक्ट आंसर है आपका। अच्छा अभी नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन हाइपरबोलिक 3t का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है बेटा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि s/s² - 9। ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। बेटा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आपके पास 1, यानी 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है आपको यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो बेटा इसके लिए आंसर होगा आपका 1/s, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, आप ना लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए यार। देखिए मैं भी तो आपके लिए मेहनत करता हूँ ना, तो नेक्स्ट वीडियो में तभी बनाऊंगा जब आपके 150 लाइक्स हो जाएंगे, इसके पहले नहीं बनाऊंगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अच्छा ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है आपके पास, ब्रेक डेल्टा फंक्शन का ही आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई गई है, यूज की गई है, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा आपके पास वो होगा ऑप्शन बी, यानी 0 आएगा इसके लिए जो आपका आंसर होगा। अच्छा आप सॉल्व भी करना है ना, सॉल्व किया भी होगा कुछ बच्चों ने, आंसर आपका क्या आता है मैच जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट व्हेन, इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, यानी द फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये इसके लिए करेक्ट आंसर है, कंडीशन है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लो अभी जल्दी से। द नॉन लीनियर सिस्टम कैन बी एनालाइज बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कैन नॉट बी एनालाइज बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म बिकॉज, इसके लिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट हैज नो जीरो इनिशियल कंडीशन। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हो तो क्या होता है, जीरो इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ती है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है टी स्क्वायर का, तो बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टी स्क्वायर का क्या होता है, टी की पावर एन का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाता है तो होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस वन। तो ये आंसर मुझे दिखता है ऑप्शन ए में, हालांकि ये मिसप्रिंट ही है यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि ये 2 factorial over s raised to power 3 ऐसे लिखा होना चाहिए था, पर इससे मतलब नहीं यार कोई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और ये मेरे हिसाब से इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है प्रिंटिंग में। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अभी। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी का आपको फाइंड आउट करना है, तो अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये 1/s² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है आपको e^8t का। बेटा ये क्वेश्चंस तो ना बिल्कुल आपके प्रॉपर्टी बेस्ड हैं, अगर किसी को फॉर्मूले ठीक से याद रहे होंगे तो मेरे हिसाब से गलती नहीं की होगी इसमें, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर बेटा, 1/s - a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, फोरियर कोफिशिएंट्स क्या है आपके बेटा। इसके लिए क्वेश्चन सी, और ये आपके दूसरे सेट में भी था, जो लास्ट सेट हम सॉल्व कर रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, द टर्म्स विच कंसिस्ट ऑफ फोरियर सीरीज अलॉन्ग विद देयर साइन और कोसाइन वैल्यू। तो इसके लिए ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, विच आर द फोरियर कोफिशियंट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको फोरियर कोफिशियंट कौन कौन से होते हैं, a0, an, bn, ये सब फोरियर कोफिशियंट है।
और ये क्वेश्चन भी लास्ट सेट से ही लिया गया है आपका। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन ऑफ टी। इवन फंक्शन बताना है बेटा आपको, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब इवन फंक्शन क्या होता है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू हो जाए एक्स एंड एफ ऑफ एक्स भी हो किसके बराबर, एक्स के बराबर, तो ये इवन कंडीशन की पहचान है बेटा, आइडेंटिफिकेशन है। तो ये वाली कंडीशन आप टी की कोई भी वैल्यू रखना, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे प्रूव होती है, मतलब ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाई, आपको बताना है कि पीरियोडिक फंक्शन किससे दिया जाता है। और बेटा इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी से, यानी एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है इसको, पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, फोरियर कोफिशियंट ए नॉट की वैल्यू आपको बतानी है। सीरीज आपको दी गई है और फंक्शन की वैल्यू भी आपको दी गई है, इरेज टू पावर माइनस एक्स, और इन द इंटरवल ऑफ 0 टू 2 पाई आपको ये प्रूव करना था, मतलब सॉल्व करना था। तो इसके लिए जो आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1 अपॉन पाई इरेज टू पावर 1 माइनस इरेज टू पावर 2 पाई, है ना, माइनस टाइम्स। तो ये आपका आंसर रहेगा, एक बार फिर से बता दूं, 1 अपॉन पाई 1 माइनस इरेज टू पावर माइनस 2 पाई, ये करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने ये आंसर लगाया उनका आंसर सही है। अच्छा, इस वीडियो में मैं हमेशा की तरह आपके साथ 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, लेकिन आज एक कंडीशन के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा। कंडीशन ये है बेटा कि आज की वीडियो के बाद नेक्स्ट पार्ट मैं तभी बनाऊंगा अगर नंबर ऑफ व्यूअर्स 150 लाइक देते हैं तो, वरना मैं नेक्स्ट पार्ट इसका नहीं बनाऊंगा, मैं भी मेहनत नहीं करूंगा। अगर आप बेटा थोड़ी कंजूसी करोगे तो मैं भी करूंगा फिर, है ना। तो चलो अभी मैं आशा कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के आंसर्स ठीक रहे होंगे, और अभी बहुत सारा पेपर बचा हुआ है। कुछ बच्चों के अगर आंसर गलत हैं तो बेटा डिप्रेस या टेंशन नहीं लेना है, अभी तो पूरा पेपर बाकी है बच्चे, है ना। तो चलो मैं भी आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अभी पेपर बहुत सारा सॉल्व करना है, ठीक है। और रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। तो चलो ठीक है, अभी मुझे इजाज़त दो।